जी अस्सलाम वालेकुम। आई क्यों अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत मजे का व्लॉग, है ना शहजाद? आज हम इनके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करेंगे, तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग रेडी हो गए और हम लोग जा रहे हैं चाइना मार्केट, तो आपको भी हम लोग अपने साथ लेकर जाएंगे। बैठो लिशबा। ये अब हम अपनी शाही सवारी पे जा रहे हैं। देखें जी, मौसम कितने मज़े का हो रहा है, और ऐसा मौसम और में मेरा शॉपिंग पे जाने का बहुत दिल चाहता है। तो यहाँ हम आ गए हैं क्रॉकरी शॉप पे। यहाँ पे आपको चाइना मार्केट में बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है क्रॉकरी की, हर तरह की क्रॉकरी आपको इजीली अवेलेबल होती है और रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, आउट ऑफ वैरायटी बहुत अच्छी होती है। मुझे वैसे भी क्रॉकरी बहुत पसंद है, और मुझे जो भी चीज़ थोड़ी हर रूटीन से हट के डिफरेंट सी जहाँ अच्छी मिल जाए मैं ले लेती हूँ। उसके बाद फिर हम आ गए थे इधर स्टेशनरी शॉप पे, यहाँ से हमने कुछ सामान परचेज़ किया था। और फिर मैं आ गई थी गिफ्ट टॉय शॉप पे, टॉय शॉप से मैंने हसन शाह जैन के लिए एक दो चीज़ें ले ली थी। चाइना मार्केट उन मार्केट्स में से है जहां आपको हर तरह की वैरायटी इजीली अवेलेबल होती है, चाहे वो फैब्रिक्स हों, चाहे वो बेडशीट्स हों, आपकी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंप्स वगैरह और डेकोरेशन पीसेस वगैरह बहुत अच्छी वैरायटी में आपको यहां अवेलेबल होते हैं। ये है आर्टिफिशियल प्लांट्स की शॉप है, फ्लावर्स हैं डिफरेंट आपके पास यहाँ पे, वो हैं पॉट्स आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट आपको आइटम्स मिल जाती हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी, हमने भी यहाँ से कुछ सामान परचेज़ किया था। और ये देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, द कलर्स आर सो अमेजिंग एंड इट लुक्स वेरी 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 प्रीटी एंड वेरी नाइस। सो इस शॉप पे पॉट्स भी बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ये देख के, मतलब देखने से भी आपको ना बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप अपने घर को कैसे डेकोरेट करें। तो मैं ऐसी शॉप्स पे विज़िट करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे डेकोरेशंस हैं। शॉप्स में भी बहुत अच्छी क्रॉकरी मिल जाती है और इस तरह से स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है डिफरेंट आइटम्स में। मैंने भी बाउल्स लिए थे, अम्मी ने मंगवाए थे, तो बस फिर हमारी परचेसिंग कंप्लीट हो गई थी। हमने जो जो चीज़ें लेनी थी, जो जो सामान लेना था वो हमने ले लिया, कुछ चीज़ों को विजिट भी कर लिया, और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आ के चाय शाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैं खाने की प्रिपरेशन में लगी थी, खाना तैयार करने लगी थी। उसके लिए मैंने फिर आलू के कटलेट्स बनाए थे, पोटैटो कटलेट्स, तो उसके लिए मैंने मैश्ड पोटैटोज़ ले लिए हैं। उसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा प्याज और तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस में मैंने नमक मिर्च, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च और चाट मसाला और चने वो डाला था, अनारदाना डाला था, और इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छी
अच्छी तरह से मिक्सचर मिक्स करके तो फिर मैंने इन्हें कटलेट्स की शेप दे दी थी। यहाँ मैंने कटलेट्स को शेप भी दे दी और अब मैं साथ साथ इन्हें फ्राई भी कर रही हूँ। अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लिया मैंने। ऊपर से लाइट से क्रिस्पी थे और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट थे, बहुत मज़े के बने थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो आलू के कटलेट्स थे और साथ में थी ग्रीन चटनी और इसके साथ थे चने की दाल के चावल। चने की दाल के चावल हों और साथ कटलेट्स और चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। सो ये था मेरा डिनर और फिर हम लोगों को थकावट बहुत हो गई थी तो सो गए थे। सो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने कलेजी भून ली थी नाश्ते में, तो उसके लिए मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर जस्ट ऑयल ऐड किया और उसमें कलेजी ऐड करके, यहाँ पे मैंने कलेजी में बाकी के स्पाइसेस और टमाटर ऐड करके उन्हें दम पे चढ़ा दिया था। और इधर मैंने चकोर पराठे बनाने की तैयारी कर ली और उसके लिए पेड़े बना लिए। मैं पराठे चकोर बनाती हूँ, बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं अंदर से और ऊपर से अच्छे क्रिस्पी से होते हैं। यहाँ मेरे ज़बरदस्त से चकोर पराठे तैयार हो गए हैं और साथ में चाय भी तैयार हो गई है। कलेजी भी हमारी पकी थी और हमने अपना नाश्ता कर लिया। बिल्ली मानो चाओ, बिल्ली मानो चाओ, बिल्ली मानो, अरे चिटके चिटके पिछली लग लू। ये वो बाउल्स हैं जो मेरी मदर ने मंगवाए थे मेरे से और ये मैंने परचेज किए थे वहाँ से, और ये मैंने ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, ये मैंने लिए थे एक सेट। उसके अलावा हसन शाहसैन के लिए सब चीज़ें नहीं थी, ये आइसक्रीम बॉल्स लिए थे मैंने हसन शाहसैन के लिए, लेकिन मुझे इतना वो हुआ ना दुख कि इसके ना एक स्पून का ना वो नहीं था, चिपस्टिक नहीं थी। अब वो मुझे समझ नहीं आ क्या करूँ। खैर ये मैंने मैगनेट्स लिए थे फ्रिज मैगनेट्स, और ये आर्टिफिशियल ग्रेप्स लिए थे, कुछ मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं, कुछ मैंने स्टोन्स लिए हैं, सी शेल्स लिए हैं, डिफरेंट आइडियाज़ मेरे माइंड में है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ट्रैवलिंग ग्लास हैं ये मैंने हसन शाहजहान के लिए लिए हैं, हसन शाहजहान के लिए कार्स ली हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे से डिफरेंट से कंटेंट के साथ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।